हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का थंबनेल है कि अपने डिटेलिंग को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपने डिटेलिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि डिटेलिंग अगर अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस जनरेट होता है और कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इवन दैट जब आप मीटिंग में जाते हैं या जब भी अपने सीनियर सामने जाते थे, एक आपकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन जो होती है वो भी हाई होती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिटेलिंग। तो डिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डे टू डे वर्किंग में। तो आज मैं बात करूंगा कि डिटेलिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए चले जानते हैं कि कैसे हम अपने डिटेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम डिटेलिंग की बात करते हैं तो दो पार्ट उसमें आ जाता है, एक होता है प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेकंड होता है जो आपका डिटेलिंग आपके विजुलेट पे दिया होता है। मीन्स जो पॉइंट्स आपके विजुलेट पे दिए होते हैं उन पॉइंट्स को वर्बटम तैयार करना, उनकी प्रैक्टिस करना, तो वो एक दूसरा पार्ट होता है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अगर नॉलेज को अपनी इम्प्रूव किया तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेलिंग अच्छी हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे उन फ्रेंड्स को भी हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग एक्चुअली नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट नॉलेज इतना अच्छा नहीं है और स्टार्टिंग में अभी जस्ट फार्मा प्रोफेशन ज्वाइन किया है, मार्केटिंग अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो उनका अभी नॉलेज इतना अच्छा नहीं है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उनकी डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं हो। तो उनकी डिटेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं आज बहुत सिंपल सिंपल फ्रेंड्स आपको टिप्स बता रहा हूँ, उन टिप्स को फॉलो करके आप इजिली अपने डिटेलिंग को अच्छी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम डिटेलिंग की बात करते हैं तो जो कंपनी आपको विजुलेट देती है, विजुलेट के ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए होते हैं उन पॉइंट्स को अगर आप वर्बटम तैयार करते हैं, मीन्स मगअप करते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते हैं, घर पे प्रैक्टिस अगर मिरर के सामने करते हैं तो और भी अच्छी बात है। मीन्स आप उसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए तो डॉक्टर के सामने बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो उन पॉइंट्स को अभी इकट्ठा तो याद किया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। आप उस तरीके को फॉलो करिए और इजिली आपकी डिटेलिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, और डिटेलिंग अच्छी होगी तो आपका बिजनेस डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हाथों में दो विजुलेट है, अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप की विजुलेट प्रोवाइड करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक ये डायरी की टाइप की विजुलेट होता है जिसमें हम इस टाइप के पेज दिए होते हैं, ओपन डायरी के टाइप के, आप एक टाइप का विजुलेट ये होता है। दूसरे टाइप की जो विजुलेट आती है जो कंपनीज देती हैं वो फोल्डर वाला होता है, मीन्स में स्पायरल बाइंडिंग दी होती है। तो विजुलेट डिटेलिंग करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने विजुलेट को पकड़ेंगे तो आप जो है ये आपका जो विजुलेट है वो आपके कंधे से थोड़ा सा डाउन साइड में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना है बट साइड में रखना है ताकि आप डॉक्टर को प्रॉपरली जिस साइड में डॉक्टर बैठा हुआ उस साइड में अपने विजुलेट को आप दिखा सके। तो विजुलेट को ऐसे पकड़ना है, सिंपली यहाँ बता देता हूँ कि विजुलेट को ऐसे हैंडल करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फ्रंट होता है वो बिल्कुल डॉक्टर के सामने होना चाहिए। जब भी आप करते हैं, फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपना नाम, कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस कंपनी से आप आए हुए, सिंपली आप कह सकते हैं डॉक्टर एक्सेप्ट रिगार्ड्स फ्रॉम जिस भी कंपनी से आप आए, उस कंपनी का नाम, उसके बाद अपना नाम बोल सकते हैं या फिर अपना नाम बोलने के बाद आप कंपनी के नाम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, सिंपली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल लाइन में डॉक्टर को बोल सकता हूँ, सर मायसेल्फ संदीप कुमार सोनी एंड आई एम फ्रॉम फाइटोकेयर डिवीजन ऑफ चरक फार्मा लिमिटेड। सो इस तरह से आप सिंपली एक लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी डिटेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप जब भी इस पेज को पलटे तो कुछ न कुछ बोलते रहें, कुछ न कुछ मीन्स आप प्रोडक्ट्स रिलेटेड या अपने कंपनी से रिलेटेड कुछ न कुछ डॉक्टर को बोले, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर चैम्बर में जब ब्लैंक हो जाते हैं ना तो वो बहुत सा मायूसी भरा माहौल क्रिएट कर देता है और ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन साइड में होता है। तो इसलिए जब अपने आप बात कर रहे होते हैं, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसी टाइम आपके विजुलेट का फर्स्ट पेज ओपन हो जाना चाहिए। जैसे तो फ्रेंड, सभी कंपनी के विजुलेट्स में ये फर्स्ट पेज दिया होता है, इंट्रोडक्शन वाला पेज। जब भी आप इस पेज को ओपन करते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, मीन्स पॉइंटर आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं, मैंने एक पॉइंटर ले लिया है। जब भी आप डिटेलिंग करेंगे हमेशा आप ध्यान रखें कि आपके हाथ में एक पॉइंटर जरूर होना चाहिए। आप उंगली से मत करिए, आपकी उंगली में नाखून साफ है या नहीं है वो एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है डॉक्टर के ऊपर। तो सो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आप जो है एक पॉइंटर यूज करें, मीन्स एक पेन अपने पॉकेट में हमेशा रखें जब भी आप डिटेलिंग करते हैं। अब पॉइंटर को जो पकड़ने का तरीका होता है वो ऐसे पकड़ा जाता है, मीन्स आपको इस चीज को ऐसे हाईलाइट करना है डिटेलिंग करते समय। जो भी इसमें पॉइंट दिए डॉक्टर को एबीसीडी की तरह पढ़ाना नहीं है कि एक एक पॉइंट पर आप लेके जा रहे हैं पॉइंटर को, सिंपली पॉइंटर को हम अपने
जो पॉइंट है उस पर स्टेबल रखते हैं, मीन्स यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम इसको बोलते जाएंगे वैसे जो पॉइंटर को थोड़ा सा मूव करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंटर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंटर रख के, अगर आपको डिटेलिंग वर्बटम याद है तो आप यहाँ पॉइंटर रख के अपने डिटेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आपका बिजलेट होता है, जो भी ब्रांड नेम के नीचे वाली लाइन होती है, उसको हम पंच लाइन बोलते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के साथ इस पंच लाइन को जरूर रिपीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट के थीम को शो करता है। तो आप प्रोडक्ट का नाम बोलने के बाद पंच लाइन बनेंगे बताएंगे। अब पंच लाइन के बाद जैसे इसमें प्रोडक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं और जो कंपेरिजन दिखाया गया है दूसरे प्रिपरेशन के साथ में, ऐसे ही आपके जो भी ब्रांड आपके पास होंगे उस ब्रांड में कुछ उसके हाईलाइट्स पॉइंट दिए होंगे। जैसे मैं इसमें नेक्स्ट पेज पे चलाता हूँ, उसमें कंपेरिजन दिखाया गया है, बट अगर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ देखिए इसमें पॉइंट्स इसको हाईलाइट किए गए हैं, मीन्स पॉइंट्स को दिखाया गया है। ऐसे ही आपके बिजलेट में होगा, ये पॉइंट्स दिए होंगे। अब देखिए मुद्दे की बात क्या आती है कि इन पॉइंट्स को इतनी जल्दी तो हम याद नहीं कर सकते हैं, ये एक दिन के अंदर पॉइंट्स नहीं याद होगा, इसको घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद होगा, मीन्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसको जल्दी कैसे याद कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी डिटेलिंग करने जाते हैं, आपको जब भी ये फोल्डर नया मिलता है, तो आप कोशिश करिए ये दो तीन और ये चौथा, मीन्स ये तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तो इजी है, इजीली आपको याद हो जाता है प्रोडक्ट का नाम, उसका इंडिकेशन और उसका पंच लाइन, ये तो आपको इजीली याद हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इन पॉइंट्स को बोलने में। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक एक करके बोलेंगे। मीन्स जैसे आप आज फर्स्ट डे डिटेलिंग करने जाएंगे, जब आपको विजुअल मिलता है, फर्स्ट डे आप डिटेलिंग करने जाते हैं, तो उस डिटेलिंग में क्या करेंगे आप, पंच लाइन, सॉरी जो आपका इंडिकेशन है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, पंच लाइन के बाद सिर्फ एक पॉइंट बोलेंगे। मतलब पूरे दिन जब भी इस प्रोडक्ट को डिटेलिंग करेंगे, ओनली वन लाइन आप रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, तीन दिन करेंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं 3 दिन के बाद आपको ये लाइन ऐसे याद हो जाएगा, आप इसको बिना देखे बोल पाएंगे। सेम आपको सारे लाइन में ऐसे रिपीट करना है। फिर इसके जब ये फर्स्ट लाइन याद हो जाएगा, आप दूसरे लाइन को पिक कर लीजिए। दूसरे लाइन को पिक करने के बाद आप पूरा प्रोडक्ट बताने, प्रोडक्ट का इंडिकेशन, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद उसका पंच लाइन के बाद फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट आप एक बार देख के बता सकते हैं। तो पूरे दिन जब आप इसको बोलेंगे, रिपीट करेंगे, 2-3 दिन के अंदर आपको ये लाइन भी याद हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड फिर इसको पिक करें, फिर ऐसे लास्ट पॉइंट पिक करें, जितने भी आपको विजलेट के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स को इजिली मगअप कर सकते हैं, इजिली आपको याद हो जाएगा, इसलिए आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। जब आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे तो इजिली क्या करेंगे आप, पूरे फोल्डर को, पूरे विजलेट को आप अच्छे से डिटेल कर पाएंगे बिना देखे हुए। जब फ्रेंड हम बिना देखे हुए डिटेल करते हैं ना डॉक्टर के सामने, एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग इमेज बिल्डअप होती है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर। साथ ही साथ जब आपका सीनियर आपके साथ काम करने आता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ते हैं कि आपको डिटेलिंग अच्छे से तैयार है। अब डिटेलिंग का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये तो कंपनी की तरफ से सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, दूसरा पार्ट है डिटेलिंग को हम कैसे इंप्रूव करते हैं। अब एक डिटेलिंग में थोड़ा सा मैं और ये बता दूं, जैसे यहाँ पे डोजेस दिए होते हैं, तो आप डोजेस को जरूर हाईलाइट करें, जब भी आप अपने ब्रांड को बताते हैं उसके साथ में डोजेस को हाईलाइट बताएं। तो फ्रेंड ये तो हो गया बिजुलेट का पॉइंट, ये सारे पॉइंट दिए होते हैं, सभी कंपनी के बिजुलेट पे होते हैं, चाहे बोल्डर किसी भी तरीके का हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बिजुलेट के पीछे वाला जो बैकग्राउंड पॉइंट है, वहां से अपने डिटेलिंग को आप कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिजुलेट में बताया पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करना है और पॉइंट्स को कैसे याद करना है, तो उस तरीके से आप पॉइंट्स को इजीली याद कर सकते हैं। 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पूरा फोल्डर आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारे ब्रांड में ऐसे रिपीट करना है आपको, सभी ब्रांड में पहले एक एक पॉइंट डिटेल करना है, फिर दूसरा लेना, फिर तीसरा लेना, फिर चौथा, जितने भी पॉइंट दिए होंगे इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली डिटेलिंग करेंगे, तो आपका डिटेलिंग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अब डिटेलिंग को अगर और ज्यादा बेटर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नॉलेज, दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जो आपके कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट मैनुअल दिया जाता है, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल आता है वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपने कंपनी अभी नया ज्वाइन किया है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। आपके जो भी सीनियर हैं, जो भी सुपीरियर हैं, जैसे आप आईजी मेडिकल लैब काम कर रहे हैं, तो आपके ABM है, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज सारा कलेक्ट करके उसको अपने डायरी पे या नोटबुक पे हिंदी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको भूलने ना पाए।
है। अगर उसके बाद आपको कोई क्वेरी होती है, अपने एबीएम से आप पूछते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, तो एबीएम के जो ऊपर वाली पोस्ट होती है, मीन सेकंड लाइन मैनेजर, किसी कंपनी में जेडबीएम होता है, किसी में अलग अलग पोस्ट के नेम है, मीन सेकंड लाइन सिंपली हम कह सकते हैं, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट करके वहां से प्रोडक्ट नॉलेज को लेके, प्रोडक्ट के बारे में पूछ के आप सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा और डिटेलिंग इस तरह के सारे पॉइंट आप यूज याद कर लेंगे, तो आपकी डिटेलिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो लोग ये नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट जितना विजुअलिट पे दिया हुआ है उन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, उन सारे पॉइंट को समझ लीजिए। मार्केट के अंदर आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एबीएम आपके जब ज्वाइंट वर्किंग होते हैं तो वहां उनके साथ बैठ के उन सारे पॉइंट को हिंदी में नोट कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट को समझ सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी दी होती है फोल्डर के ऊपर या विजुलेट के अंदर आपके, वो सारे आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कोई डॉक्टर पूछ लेता है इसका क्या मतलब होता है, सिंपली अगर बायोलॉजी लिखा है फोल्डर पे आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो उस बायोलॉजी का क्या मीनिंग होता है उसको आपको पता होना चाहिए। कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो वो आपको, जैसे IBS कभी प्री एंड प्रोबायोटिक लिखा होता है IBS, अब IBS लिखा हुआ है बट IBS का आपको मतलब ही नहीं मालूम, तो IBS का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट या शॉर्ट में फोल्डर के ऊपर, बिजलेट के ऊपर लिखे होते हैं, उसका आप फुल फॉर्म, बहुत छोटे छोटे अक्षरों तो वही फोल्डर के ऊपर दिया होता है बट कई बार नहीं भी दिया होता तो उसको आप अपने सीनियर से पूछ के कॉपी पे नोट कर लीजिए, आप उसको याद रखिए, माइंड में रखिए, थोड़ा थोड़ा रिकैप करते रहिए, आपकी डिटेलिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी जो डे टू डे की वर्किंग की प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्या मुझसे जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली वहां पर रिप्लाई करता हूँ। जितने लोगों का कमेंट आता है मैं उसे कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई किया जाए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप बताइए, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।